हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट तो डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज हो गया 29 मार्च, तो आज हो गया 29 मार्च। तो 29 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, PSC, पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक नंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है, एक नंबर से किसी का सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10 से 20 मिनट आज के डेट में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज करके पूरा आप 7 से 8 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बने यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में नेक्स्ट, यहाँ पे आपके जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी नायर, ईशा अंबानी, रोशन नादार या डी है इन्वेस्को ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ईशा अंबानी। याद रखिए इनको फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2023 के लिए इनको ये अवार्ड जीता है। इसको याद रखिए, ये आपके रिलायंस रिटेल जो लिमिटेड इसके निर्देशक हैं आपके ईशा अंबानी जी। इन्होंने ईशा जो अंबानी हैं इनको हाल ही में 12वें फोर्ब्स इंडियन लीडरशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। इसको याद रखिएगा तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए जीता है? तो गौतम बोरा, डॉक्टर एस ए हसन, आलिया मीर या डी है इन्वेस्को ने। तो ये आलिया मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आलिया मीर ये हैं। तो हाल ही में इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को इनको ये आपकी जीती है आलिया मीर। कहाँ के रहने वाली? तो आपके कश्मीर के रहने वाली, जम्मू कश्मीर के। इन्होंने आलिया मीर ने ये आपके वर्ल्ड वाइड नाम सुने होंगे इस संगठन के लिए, ये आपका काम करती है। तो ये आपके जो वन्य जीव रहते हैं, छोटे छोटे जानवर वगैरह, सांप वगैरह, जो आप उनके संरक्षण के लिए मन के उनके देख रेख के लिए इस अवार्ड को उनको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना हाल ही में रूसेफ को NDB का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया? तो ब्राज़ील, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या डी है इन्वेस्को ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, इसको याद रखिएगा। तो ब्राज़ील देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डिल्मा वाना रूसेफ, इनको हाल ही में NDB क्या होता है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा, ब्रिक्स द्वारा इसको, इस संगठन को बनाया गया, इस बैंक को ओपन किया। तो NDB के अध्यक्ष के रूप में आपके ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा वाना, तो डिल्मा वाना जो रूसेफ, इनको NDB का अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष इनको बनाया गया, इसको याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी जो स्थापना की बात करें 2014 में इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसमें जो मेम्बरशिप कंट्री हैं, जिसमें मेम्बरशिप कंट्री है आपके बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रसिया और आपके साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब और आपके उरुग्वे, जो आपके इसको ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स भी कहा जाता है, मैंने उस दिन पढ़ाया था अच्छे से इसको। तो ये आपके मेंबरशिप कंट्री है। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट, ये आपके कौन से कार्य करती है? जो आपके जो कंट्री अभी मैं मेंबरशिप कंट्री मैंने अभी बताया हूँ, तो ये जो कंट्री मेंबरशिप उनके लिए अर्थव्यवस्था पे काम करती है, मतलब कौन से देश का अर्थव्यवस्था कितना ख़राब है, तो ये अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आपके इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कि उद्घाटन इसका किया, इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना जो रूसेफ है, डिल्मा वाना रूसेफ कहाँ गए हैं? तो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में, याद रखिए 2024 का डाटा बताया है, तो 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 5.7%, 0.6% या इन्वेस्को ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.6%। S&P जो ग्लोबल रेटिंग से आपके अमेरिका की कंपनी, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपके एक रेटिंग कंपनी है, मतलब कौन से देश की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब आर्थिक वृद्धि कितनी है, आपका रेटिंग मतलब रैंकिंग जारी करता है। तो हमारा जो भारत है 2024 के लिए 0.6% वृद्धि दर अनुमान लगाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग जो ग्रुप के जो बैठक है एक आपका कहाँ संपन्न हुआ है, तो मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका हाल ही में चेन्नई में, याद रखिएगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में यहाँ पे G20 फ्रेमवर्क वर्किंग की बैठक ये आपका संपन्न हुआ है। तो इसको याद रखिए, G20 जो इस बार हमारे भारत को अध्यक्षता दी गई है, आपके अर्थव्यवस्था पे काम करेगी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए, मार्क करके रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। तो हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर ने कौन से पदक जीता है, तो रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमेस्कोनी, तो ये आपका कांस्य, इसको सिल्वर कहते हैं। तो हाल ही में ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब शूटिंग से संबंधित जो खेल है इसका जो आयोजन है आपका, ये आपका 23 सितंबर तक ये आपका जो ISSF विश्व कप है इसका आयोजन मतलब होगा। इसमें जो मनु भास्कर है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिसको याद, तो इस खेल में इन्होंने मनु भास्कर जो कि एक भारतीय निशानेबाज हैं, इसको याद रखिए, कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता है, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है, तो अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इन्होंने पहली बार दिल्ली से धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई, मतलब कहने का मतलब है दिल्ली से आपका जो हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है यहाँ पे जो इंडिगो द्वारा यहाँ पे जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, जानते होंगे ये, आपका यहाँ पे फ्लाइट स्टार्ट किया है दिल्ली के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के उड़ान को हरी झंडी दिखाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है अनुराग ठाकुर, को हमारे खेल मंत्री इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता जो कार्यक्रम समूह की जो बैठक है एक आपके कहाँ होगी, तो मुंबई, देहरादून, गांधीनगर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता जो कार्यक्रम समूह की जो बैठक है यहाँ पे किया गया है, लगभग 130 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, इसको याद रखिए। इसमें आपके जितने भी जो केंद्र सरकार की जो योजना है जलवायु के लेकर पर्यावरण की, इसमें आपको डिटेल्स इसमें बताया जाएगा लोगों को और कुछ में जागरूक किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्क करके रख ली, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग, ये महिलाओं का जो IPL है, ये लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई इंडियंस है, सी ऑप्शन। तो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग जो IPL है 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीती है, तो आपके मुंबई इंडियंस ने जीती है, इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट पोजीशन में है, अब सेकेंड में आपका मुंबई, सेकेंड में आपका दिल्ली, इसको याद रखिएगा। तो आपके मुंबई इंडियंस ने आपके दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से इनको हरा कर यहाँ पे IPL का जो पहला सीजन के खिताब आपके मुंबई इंडियंस ने जीता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन उठा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। मुंबई इंडियंस ने ये IPL 2000 जो महिला है ये प्रीमियर लीग के खिताब मुंबई इंडियंस ने दिए जीता है। सेकेंड रनअप कौन थे, आपका दिल्ली था, इसको याद रखिए। 7 विकेट से इनको हराया है और यहाँ पे IPL का जो पहला जो सीजन है मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है, मुंबई इंडियंस इसमें पहला विजेता है, इसको याद रखिए। सेकेंड में आपका दिल्ली कैपिटल्स है। अब पुरुषों का 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना CFO नामित किया, तो मोहित जोशी कुमार, श्रीकांत वेंकटचारी जी को, सिद्धांत मोहंतो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत वेंकटचारी, या आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इनको श्रीकांत वेंकटचारी, इनको हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना CFO नियुक्त नामित किया गया, इसको याद रखिएगा। मतलब मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है, मतलब वित्त अधिकारी इनको मुख्य वित्त अधिकारी इनको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा।
तो 36, 32, 34 या D है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसरो, सभी जानते हो इसरो ने हाल ही में जो सैटेलाइट उपग्रह के साथ यहाँ पे भारत के सबसे बड़े LV-M3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। लगभग 36 रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिएगा। कहाँ से इसको मतलब किया गया है, तो इसरो अंतरिक्ष यान जो श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया। इसको मतलब 150 kg इसका वेट है, इसको याद रखिएगा। और आपके लगभग LV-M3 जो रॉकेट है इसका प्रक्षेपण किया है, तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसरो का, इसरो जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहते हैं, इसको याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका बेंगलोर में है, इसको याद रखिएगा। संस्थापक इसके कौन है, तो विक्रम अंबालाल जो साराभाई इसके संस्थापक। स्थापना कब किया गया है, तो 15 अगस्त 1969, ये डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसके जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया है। और वर्तमान में एस सोमनाथ जी इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं आपके इसरो के। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिए, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल के प्रमुख नियुक्त किया, तो विमल कपूर, पी गोपाल, टी वी सोमनाथन या डी है इनमें से कोई नहीं। इसको हाल ही में जो TV सोमनाथ, इनको हाल ही में पेंशन योजना पर एक पैनल का प्रमुख नियुक्त इनको किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो जो पेंशन योजना है केंद्र सरकार के द्वारा मज़दूरों के लिए योजना चलाई जाती है। तो जो हाल ही में इनके जो पेंशन योजना पर जो पैनल का जो प्रमुख नियुक्त किया है S. Somnathan नियुक्त बनाया गया था, इसको याद रखिए, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस ये आपका कब मनाया गया है, तो 25 मार्च 27 मार्च 26 मार्च या आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 मार्च। तो हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस आपके 27 मार्च को मनाया जाता है, आपके लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, मतलब इसको थिएटर डे भी कहा जाता है। तो लोगों को मनोरंजन भी एक तरह का ज़रूरी है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच या थिएटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात कर दें, कि हाल ही में घोषणा की है, तो यूक्रेन, जापान, बेलारूस, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपके बेलारूस रूस में आती है। तो हाल ही में रूस ने आपके जो बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा हाल ही में की है, आपके व्लादिमीर पुतिन है, रूस के प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति, इनको याद रखिएगा। तो इन्होंने हाल ही में जो परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा बेलारूस में की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है, तो इस परियोजना का जो शुभारंभ है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, श्री भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा श्री भूपेंद्र जो यादव है, इनके द्वारा अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना का शुभारंभ इनके द्वारा किया है, यह हरियाणा में इसका शुभारंभ किया है, हरियाणा में, इसको याद रखिएगा, हरियाणा में इसका शुभारंभ किया। यहाँ पे वन दिवस यहाँ पे मनाया गया है हाल ही में, तो इसी कारण यहाँ पे पर्यावरण को मतलब यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए वातावरण को यहाँ पे जो अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया है, हमारे पर्यावरण वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, तो इन्होंने इस ग्रीन वॉल को लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिए आपके पर्यावरण की सुरक्षा करने के कारण, इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठाते। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स पे, थैंक यू।